पांचवें चरण में उत्तर प्रदेश की 14 लोकसभा सीटों पर सोमवार सुबह 7 बजे मतदान शुरू हो चुका है। वोट शाम 6 बजे तक पड़ेंगे। यूपी में पांचवें चरण में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, कौशल किशोर, निरंजन ज्योति और यूपी सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह की प्रतिष्ठा दांव पर है। अमेठी में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी चुनावी मैदान में है, जबकि गांधी परिवार के करीबी केएल शर्मा को कांग्रेस ने चुनावी मैदान में उतारा है। अमेठी में सुबह 9 बजे तक 13.45% मतदान हुआ है। वहीं अमेठी में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अपना मतदान किया। वहीं वोट डालने के बाद बीजेपी सांसद और अमेठी लोकसभा सीट से उम्मीदवार स्मृति ईरानी ने कहा कि आज मेरा सौभाग्य है कि मैंने अपने गांव गौरीगंज में विकसित भारत के संकल्प के साथ वोट डाला है। मैं अपील करती हूं लोगों को अपना वोट डालना हमारे देश के भविष्य के प्रति हमारी जिम्मेदारी। बता दें कि अमेठी से मौजूदा सांसद स्मृति ईरानी के सामने कांग्रेस ने किशोरीलाल शर्मा को अपना उम्मीदवार बनाया है। अमेठी और रायबरेली लोकसभा सीट कांग्रेस और नेहरू गांधी परिवार की पारंपरिक सीट मानी जाती है। गांधी परिवार का रिश्ता काफी पहले से इन दोनों सीटों से जुड़ गया था। 2004 से राहुल गांधी अमेठी से और सोनिया गांधी रायबरेली सीट से चुनाव लड़ रही थी। 20 साल के बाद ऐसा पहली बार है जब अमेठी से गांधी परिवार का कोई सदस्य चुनावी मैदान में नहीं उतरा है। बड़ी बात यह है कि यहां पर अमेठी में इस बार स्मृति ईरानी से राजपूत समाज काफी ज्यादा नाराज नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि स्मृति ईरानी ने महिला एवं बाल विकास मंत्री रहते हुए भी अमेठी की जनता के लिए कुछ नहीं किया, ना ही रोजगार दिया है। ऐसे में केएल शर्मा को भी इस बार दरकिनार नहीं किया जा सकता। कांग्रेस परिवार और गांधी परिवार ने पूरे तरीके से केएल शर्मा पर जीत का दांव लगा दिया है। अब देखना होगा कि वक्त रहते कैसे स्मृति ईरानी इस सीट पर जीत हासिल करती हैं। ANP टाइम्स की रिपोर्ट।